चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए हालो स्पीयर, हालो सिलेंडर, हैज ए चार्ज क्यू। Within it, why is the ये संडे को टेस्ट में भी था ना। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था इंजीनियरिंग में, उसके बाद नीट में आया है। तो थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग के सवाल है, खासकर जेई मेंस तक के, जरूर टच किया करो। वो पूछे जाते हैं इसमें, नीट वाला देता है उनके सवाल। अब देखिए पहले लिख लो, नोट किया। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िए, एक हालो सिलेंडर, हालो का मतलब पाइप नहीं, ढक्कन दोनों तरफ से लगे, अंदर खोखला है। जब उन्होंने सरफेस ए बोला, इसका लो कवर लगा हुआ, तभी तो सरफेस ए बोला। दूसरी चीज काम की बात, इस क्वेश्चन में यह कहीं नहीं लिखा कि क्यों सेंटर पर रखा। पूरा सवाल पढ़िए, कहीं लिखा कि क्यू सेंटर पे है, नहीं लिखा। तो क्यू अगर हम सेंटर के अलावा कहीं और रख देंगे, फिर हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, क्योंकि गणित फेल हो जाएगी। इतना हमें पता होना चाहिए कि कहीं और हम रख ही नहीं सकते। तुम कहीं और रख के कुल फ्लक्स तो बता दोगे क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, लेकिन एक सरफेस का नहीं बता पाओ, क्योंकि तब सिमेट्री नहीं होगी। अगर सेंटर पे रखा है
तो दोनों तरफ सिमेट्री है, तब आप जवाब दे लोगे भैया आधा इधर से गया आधा उधर से गया। ये सब चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, यानी इतनी समझ है या रखनी पड़ेगी कि हमें पता है कि अगर कहीं और रख देंगे इस चार्ज को तो फिर ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। फिजिक्स की कुछ लिमिट है, जहां तक गणित साथ देगी वहीं तक फिजिक्स है, और जहां गणित साथ देना बंद फिजिक्स बंद, माने गणित के बिना फिजिक्स संभव ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये चार्ज में कहीं नहीं लिखा कि चार्ज सेंटर पर रखा है, लेकिन हम सेंटर पे अपने आप रखे फिगर में भी क्यों नहीं बनाता, मैंने बना दिए, फिगर में सिर्फ सिलेंडर बना हुआ है बस। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस क्यू को मैं यहां रख दूं तो टोटल मैं बता अपना ये सकल जी है उस चार्ज बंधे कहां है इससे मतलब नहीं है, टोटल फ्लक्स तो सही है लेकिन अगर एक फ्लक्स ढूंढना चाहे तो नहीं कर, क्यों और सेंटर पर रखा है तो जो पोजीशन इसकी है वही पोजीशन इसकी है, आधा फ्लक्स ए से जाएगा आधा सी से जाएगा, इसलिए आप उसे आधा कर दो। मतलब कहने का कि अगर पूरे का फ्लक्स ढूंढे तो गासला लगा दो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। इन्होंने कहा है कि जो कर्व सरफेस है उसका अकेले का फ्लक्स फाई है, तो बताइए पूरे का फ्लक्स कितना, इसको हटा दूं, नोट कर लिया। तो यहां पर आप सॉल्यूशन में लिखो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर या लिंक्ड विद द सिलेंडर, ये हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। घासला किसी एक सरफेस का नहीं देता, घासला पूरे का देता है। तो ये घासला है लगा दिया हमने, अंदर चार्ज क्यू बंद है, अब पूरे का फ्लक्स हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन। अब सवाल पढ़िए, उसमें लिखा है कि केवल कर्व सरफेस का फ्लक्स फाई है, तो बचे दो सरफेस ए और सी, तो ए का और सी का फ्लक्स कितना बचेगा, देयरफोर फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ए ये लीजिए बराबर हम लिखेंगे कुल फ्लक्स में से ये घटा दो किसका हो गया बी का निकाल दिया, तीन सरफेस है ए बी और सी, तीनों का मिला फ्लक्स ये है, अब क्या उन्होंने अलग से लिखा है कि फाई है तो बी वाला निकाल दिया, तो किसका किसका बचा ए और सी का, और हमसे एक का मांग रहे हो आधा इधर आधा उधर, ए ये लो गुणे में आधा, ये आंसर हो गया। अब सोचो अगर बीच में न रखा होता तो ए और सी में अलग अलग फ्लक्स होता, जिसके नजदीक होगा उसमें से ज्यादा लाइनें जाएंगी और जिससे दूर होगा उससे लाइन कम, अब कितनी कम कितनी ज्यादा इसकी कोई मैथ नहीं है हमारे पास, यानी सिमेट्री अगर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब अंडरस्टूड है कि उसे सेंटर में ही रखना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, बिल्कुल मैथ आपके हाथ पैर रोक देगी, नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, नोट करिए। अब ये ऐसे ट्रिकी सवाल होते हैं जो पहली बार दिखाई देते हैं और जिसका दिमाग चल गया तो ठीक और नहीं चला तो दोबारा आने नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। और ये मत सोचो कि सारे क्वेश्चन नीट में, अरे कभी एक आध दो चार सौ सवाल बस, सब नहीं, मोस्टली नए क्वेश्चन बनाए जाते, किताब का क्वेश्चन शायद ही कभी मिलता हो शायद ही कभी रिपीट होता हो, इसलिए थोड़ा सीखो, इस क्वेश्चन को हम केवल सीखने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये मैं जानता हूं पुराना सवाल है आया हुआ सवाल है लेकिन उसका महत्व तो कुछ नहीं, बिल्कुल मत, चाहे तुम जितनी गाइडें रट लो चाहे कुछ भी कर लो चाहे जितने सवाल कर लो, अगर समझदार नहीं बनोगे तो पेपर नहीं अच्छा हो, समझदार बनिए।
सीखिए चीजों को। आइए अगला सवाल देखें। The inward and outward electric flux for a closed surface (8×10⁻³) न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड (4×10⁻³) न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रेस्पेक्टिवली। Then the total electric charge inside the surface is, ये ऑप्शन है और ऑप्शन हमको दिए गए हैं ये। पहला ऑप्शन है 4×10³ कूलम। दूसरा ऑप्शन है (-4×10³) डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट कूलम। तीसरा ऑप्शन है (-4×10³ कूलम। चौथा ऑप्शन है (-4×10³) और एप्साइलन नॉट कूलम। अच्छा, ये तो कहो एग्जामिनर की शराफत है ना, जो तुम चिल्ला के कह दिए 4। अब मैं उसकी शराफत थोड़ा हटाए दे रहा हूं। ये लो, अब चिल्लाओ, शरीफ है एग्जामिनर, बहुत शरीफ है। उसने साइलेंट नाट का गुणा क्यों लेख में किया है, बाकी किसी में नहीं किया है ना। मैंने कर दिया, अब आप ये ऑप्शन लिखिए, चेंज कर लीजिए। पहले ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट अपने से लगा था, आप बताओ। नीट वाला एग्जामिनर वास्तव में बहुत सज्जन है। चारों ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो ऐसे ऑप्शन देता है कि आप शायद पेनों ने चलाओ कर लो भाई। फाई बराबर क्यू बटे एप्साइलन नॉट, क्यू बराबर फाई गुड़े एप्साइलन नॉट, तो एप्साइलन नॉट गुड़ा में होगा, एक के अलावा किसी में है ही नहीं। एक में बटे में बैठा है गलत है, एक में गुड़े में बैठा है सही है। अब मैंने दो में गुड़ा कर दिया, अब हो गया मामला गड़बड़। लेकिन उसने नहीं दिया था, सोचिए उसकी मंशा क्या है, ठीक है ना। अब इतना इसमें गलती जानते हो क्या होगी, कल जो हम सिखाए थे पॉजिटिव फ्लक्स और निगेटिव फ्लक्स, बस वो अब वो हम भूल गए।
क्योंकि हम तो रटे हैं, है ना। तो कल हमसे कहे थे कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है इन गोइंग वो निगेटिव होता है और जो आउटकमिंग वो पॉजिटिव होता है। तो जरा ध्यान देना, इनवर्ड पहले है तो इनवर्ड वाला ज्यादा है और आउटवर्ड वाला कम है। तो जो इनवर्ड है वो माइनस का है और आउटवर्ड वाला प्लस का है। तो माइनस वाला बड़ा हुआ, आंसर माइनस में आए, गलती का चांस यहां था, ठीक है ना। सवाल हटा दें, चलिए नोट करिए जरा सॉल्यूशन इसका। इनवर्ड फ्लक्स ये आएगा माइनस का 8×10³ न्यूटन पर कूलम और आउटवर्ड फ्लक्स ये आएगा प्लस का 4×10³ न्यूटन पर कूलम। है ना, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, माइनस का 4×10³ यूनिट गलत लिख देते न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप घासला लगा, अब घासला क्या कहोगे, घासला कहता है यहां लिख देते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू हो गया फाई गुणे एप्सिलॉन नॉट और फाई ये लोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 4×10³ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट और कूलम। हर तरह का क्वेश्चन, हर वैरायटी का क्वेश्चन जरूर कम से कम एक एक कर जाओ कि किसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आए तो हमें लगे कि हमने कर रखा है पहले। तो गिनती बढ़ाइए लेकिन वैरायटी ज्यादा रखिए और एक ही वैरायटी के क्वेश्चन ज्यादा मत करिए, हर तरह के सवाल करिए, इनवर्ड आउटवर्ड जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब करिए। हाँ, लेवल नीट कर रखिए, लेवल बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं जरूरत। और जो सिलेबस में चीजें नहीं है उसे तो दूर से नमस्ते कर दो, पढ़ो ही बात, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब कल किसी बच्चे ने हमको व्हाट्सएप सवाल, आधे स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा, आपके कोर्स में नहीं है काहे कर। कुछ कोचिंग वाले जानबूझ के सवाल देते हैं कि जाओ अपने टीचर को परेशान करो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अब अगर आपकी गणित बड़ी स्ट्रांग है तो यहां पर एक एलिमेंट काटेंगे, ये पट्टी कटेगी, उस पट्टी का पट्टी वो जो कटेगी वो रिंग बनेगी और रिंग के एक्सिस वाला फार्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और रिंग कोर्स में नहीं, तो मत करिए। मेरे कहने का मतलब ये करना कोई कठिन नहीं है लेकिन जरूरत क्या है, जो सिलेबस से हट चुका है या है ही नहीं, पूरे सेल का है तुम्हारे कोर्स में, आधे सेल का कहीं आएगा नहीं, 35 साल का इतिहास उठा लो कभी आया नहीं हो। अब सेल है, सॉलिड स्पीयर है, एक तार है और एक शीट है, चार है कोर्स में बस, ये चार पढ़ लीजिए, पांचवा कुछ आएगा नहीं। ज्यादातर शीट सेल और स्पीयर भी, सॉलिड स्पीयर कभी कभार दे देता है, सिंगल तार वाला भी बहुत कम देता है, चार एप्लीकेशन है घासला के, वो पढ़ जाओ। ये जरा अगला क्वेश्चन हम देखिए, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन यहां पर नया होगा, हर क्वेश्चन नया होगा।
चार्ज, क्वेश्चन लिखो, 10 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी आया था पेपर में, एज शोन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इज, ये हेमिस्फीयर दिया है और यहां चार्ज रखा है, चलिए 10 माइक्रो कूलम, यहां पर, और इसकी रेडियस इन्होंने कहा है आर। पहला ऑप्शन है 20 × 10⁵, यूनिट वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। दूसरा ऑप्शन है 10 × 10⁵। तीसरा ऑप्शन है 6 × 10⁵। चौथा ऑप्शन है 2 × 10⁵। अब देखिए यहां घासला लगेगा और आधा है ऊपर से आधा खुला है, यानी इसमें घासला अभी नहीं लगेगा, तो आप इसे पूरा बंद करो, ठीक है ना, यानी ऊपर से आधा स्पीयर खुद ही रख दो, अब तो पूरा स्पीयर बंद हो गया तो घासला लग जाएगा, और फिर उसका आधा कर। लेकिन अगर ये सेंटर की जगह कहीं और रखा होता फिर आप नहीं कर पाते, फिर आप आधा कहां कर पाते, जिधर नजदीक है उधर ज्यादा फ्लक्स हो गया, यानी सिमेट्री जरूर होगी, अगर सिमेट्री नहीं है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, फिर नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कोई केस नहीं देगा जिसमें सिमेट्री ना हो, ठीक है ना, जल्दी उतारो, छोटे बड़े मीडियम थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल वाले सब पर एक सवाल कर लो, अपने से किया करो घर, चलो अच्छा देखते, दिमाग को थोड़ा शार्प करो, बस दिमाग एक्टिव हो जाए तो फिर सिलेक्शन हो, हटा दें, उतार लिया, चलिए देखिए इधर, द चार्ज कैन बी एनक्लोज्ड बाय प्लेसिंग अनदर हेमिस्फीयर above it, as shown in figure, ये देखिए ये है आधा स्पीयर और आधा स्पीयर हमने ये रख दिया, डॉटेड बनाया क्योंकि हम अपनी तरफ, ये चार्ज क्यों है, ये ऊपर से आधा हमने रखा, हमने ये चीज लिख दी है कि इसको बंद किया जा सकता है चार्ज को एक और स्पीयर इसके ऊपर रखकर, एक स्पीयर पहले से आधा, आधा स्पीयर आप रख दो, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो, तो यहां पर ये देखिए आधा स्पीयर तो एक गिवन है, आधा हमने रख दिया और जब तक ये पूरा बंद नहीं होगा घासला नहीं लगेगा,
और घासला लगाने के लिए बंद करना चाहिए। हमने आठ बोला अपनी तरफ से पूरे का फ्लक्स क्यूब साइलेंट जीरो आठ का बटे है ना। तो यहां लिखो देयरफोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू ए हेमिस्फीयर बराबर क्या लिख दिया जाए एक दर लिख दो ये क्यू बटे टू एप्सिलॉन जीरो दोनों हेमिस्फीयर का क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो यानी पूरे स्पीयर का क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। हमको तो हेमिस्फीयर का चाहिए माने आधे का तो जितना ऊपर से निकलेगा फ्लक्स उतने नीचे से क्योंकि सिमेट्री है क्योंकि चार्ज सेंटर पर है यानी ऊपर वाले आधे गोले की सिचुएशन और नीचे वाले आधे गोले की सिचुएशन क्यू के रिस्पेक्ट में सेम है इसलिए जितना फ्लक्स नीचे वाले से पास होगा उतना ही ऊपर वाले से पास होगा मतलब आधा इधर से आधा उधर से इसलिए बटे दो कर दिया और सेंटर के अलावा कहीं भी रख देते तो बस नमस्ते करते जाओ भैया। तो जब नमस्ते करना है तो फिर वो कभी पूछे गई है ठीक है ना बिल्कुल तय है। अब आप पहलू रख लो कितना चार्ज दिया है चार्ज कितना है 10 माइक्रो लो 10^-6 अब बटे में 2 अब बटे में 8.854 और 10^-12 अब इसको कैलकुलेट कर लो जो भी है कितना आंसर है 6×5 ले नोट करो। अरे तीसरा चौथा से मतलब नहीं हमें आंसर में दिलचस्पी नहीं रखनी है बार बार ये जो टेस्ट के लिए आंसर मायने रखता है वैसे पढ़ने के लिए कंसेप्ट मायने रखता है। आप आंसर मत देखा करो तीसरा है चौथा है हमको क्या गणित हमारी अच्छी होगी तो तीसरा तो हम ढूंढ ही लेंगे और गणित अच्छी नहीं होगी तो चौथा ढूंढेंगे है ना। और क्या कैलकुलेशन गड़बड़ है तो जो कहो वही आंसर निकाल दे जल्दी उतारो। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा फिजिक्स में अभी से रिवीजन शुरू करिए क्लास करने से कोई मतलब नहीं अगर आप घर में नहीं पढ़ रहे हो क्लास से ज्यादा जरूरी घर में रिवीजन करना ऐसे पेंडिंग मत करो उधार नहीं चलता पता चला लिख लिख के रजिस्टर सजाए जा रहे हो अब बाद में कोई शुभ मुहूर्त निकालोगे है ना तब तब तक में देर हो जाए मत करिए अभी से दोहराइए। मैं तो कहता हूं रोज नया पढ़ो रोज दोहराओ हर समय आना चाहिए सब कुछ और अभी थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिल रहा है आराम से पढ़ा जा सकता है और फिर इकट्ठा कर लोगे ढेर कोई मतलब उधार वाला तो ठीक है नहीं है सही ना। एक आदमी गया दुकान से उधार का सामान लेने सुन लो उधार का मतलब तो उस दुकानदार ने पूछा भैया क्या कर रहे हो जो इतना सामान खरीद रहे हो बोला एक साल पहले कोई हमने मनौती मानी थी भगवान की तो हम सोच रहे पूरा कर दे तो दुकानदार ने बोला जब तुम एक साल भगवान को लटका सकते हो तो मेरा उधार कब लौटाओगे जाओ नहीं देंगे ये है उधार ठीक है ना। दिमाग यानी हेलो हाजिर जवाबी प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बहुत जरूरी है फिजिक्स में अगर मौके पे चूक गए तो चूक गए फिर चाहे सर पटक लो दिमाग में बात नहीं आई तो आएगी भी नहीं आनी होगी तो बिल्कुल है ट्रेंडम तुरंत आ जाए। तो फिजिक्स में एक कोई ना कोई पॉइंट होता है जो जरूरी है कि आप अगर पकड़ ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं पकड़ पाए तो नहीं कर पाए फिर चाहे तुम जितना कोशिश करो
तो अगर ऐसा अगर हो तो उस समय कोशिश बंद कर दिया करो, फिर दो चार घंटे बाद जब थोड़ा सा मूड सही हो तो फिर लगाना, ठीक है ना। न हो तो फिर छोड़ देना, नेक्स्ट डे ट्राई करना। तो अगर दिमाग में नहीं आ रही बात तो कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती तो फिजिक्स में करने नहीं, तरीके से पढ़िए। आइए इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन और आपको दे दें। देखिए इधर ये एक स्क्वायर शीट है, एनसीईआरटी का सवाल है ये। ये लो, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की ये शीट है, ये। और इसके सेंटर के ठीक ऊपर यहां पर चार्ज क्यों रखा है 5 सेंटीमीटर ऊपर। ये स्क्वायर शीट है, नोट करो, स्क्वायर शीट। यानी सवाल देखो क्या है, एक चौकोर शीट है और उस शीट के सेंटर के ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर पे चार्ज क्यों रखा। हमसे केवल इस शीट का फ्लक्स मांग रहा है, शीट के अलावा तो कुछ है ही नहीं, शीट का फ्लक्स। तो लिखो जरा, ये लो, इस स्क्वायर शीट का फ्लक्स चाहिए हमको। आइए देखिए, सुन लीजिए, हमारे पास दो तरीका है फ्लक्स ढूंढने का, या तो इंटीग्रेशन करें ई डॉट डीएस, है ना, या तो फिर गॉस लॉ लगा। अब इधर सुनिए, अगर इस शीट को हम ऐसे साइड से देखें क्यों ना है, फिर रोको सुनो, तो ये चार्ज रखा है क्यू और ये शीट है एक साइड जो सामने देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे शीट है, ऊपर देखोगे तो एरिया दिखेगा और सामने देखोगे तो लाइन दिखेगी। तो हम सामने से देख के फिगर बनाए, अच्छा देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन होगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन होगी, ये इलेक्ट्रिक होगी, ये जाएगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन जाएगी, यानी चार्ज से लाइन कैसी निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसी लाइनें निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई। अब आओ डीएस वेक्टर ढूंढे, इसका डीएस वेक्टर ये है, इसका डीएस वेक्टर ये है, यहाँ का डीएस वेक्टर ये है, यहाँ का डीएस वेक्टर ये है, ये है, एंगल 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 एंगल, हर जगह के लिए एंगल वेरिएबल। इतनी बड़ी शीट है, ई और डीएस, डीएस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो डीएस हुआ, और चार्ज से लाइन जो निकलेगी वो ई देगा। अब आप बताइए, यहां का एंगल पता है हमें जीरो, बाकी कोई एंगल नहीं पता। अब मैंने तो कुल चार फिगर बनाए हैं, इतनी बड़ी शीट में तो करोड़ों पॉइंट, और हर पॉइंट का थीटा अलग अलग। आप बताओ, जब आप ई डॉट डीएस करोगे तो डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो ई डीएस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कहां से लाओ। सवाल मत करो, थोड़ा रिसर्च करो, आंसर वंसर मत ढूंढा करो। इस क्वेश्चन ने क्या हमको दिखाया, देखो गणित, देखो प्रॉब्लम, देखो क्या सिचुएशन आ रही है, क्या परेशानी है, क्यों हम वो रास्ता फॉलो कर रहे हैं, ये क्यों नहीं फॉलो किए, ये है नाटक। मतलब इसमें ई डॉट डीएस नहीं संभव है, क्योंकि कॉस थीटा का इंतजाम हो ही नहीं सकता। अगर एक आध पॉइंट होते तो कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री और कुछ लगा लोगों के काम चला लेते, और करोड़ों पॉइंट के लिए हमारे बस का नहीं। तो ये जो ई डॉट डी एस वाला तरीका था फ्लक्स ढूंढने का, गलत हो। अब बचा गॉस, अब गॉस लॉ कहता हमको शीट नहीं डब्बा चाहिए, तो निश्चित है सिमेट्री होगी, डब्बा बनेगा। यानी इन्होंने हमको सही कहे तो फर्श दे दिया कमरे की, चारों दीवार आप खड़ी करो, अच्छा तो डाल दो अपने से। तो बताओ 10 बाई 10 की शीट है तो 10 बाई 10 की चार दीवारें लगाओ और 10 बाई 10 की छत भी डाल दो, क्या बन गया, क्यूब।
क्यूब बनाना और चार्ज कहाँ है? क्यूब के सेंटर पे, क्योंकि सेंटर से ठीक ऊपर पांच की ऊंचाई पर। अगर मैं ये पांच की बजाय चार कर देता तो फिर चुपचाप रजाई लेके सो जाओ, फिर नहीं होता है, फिर ये सवाल हो ही नहीं सकता था। तो पांच ही रहेगा, क्योंकि दस और दस कहा था पांच, तब जाके सेंटर पे आया, तभी हम आए बस का है, नहीं तो हमारे बस का। फिर घासला भी मना कर देगा, रहन दो मत करो, ठीक है ना। तो ये लीजिए, तो सॉल्यूशन में आइए। ये आप एक क्यूब बना लीजिए, ये लो, ये सेंटर के ठीक ऊपर ये क्यू, और ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही सोचिए, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है जो उन्होंने चित्र बनाया है, तो इसके ठीक ऊपर तो सेंटर पे पॉइंट आया, यानी इस क्यूब से इस चार्ज को बंद किया जा सकता है। अब ये पूरा डब्बा हो गया, अब घासला लग। अब सुन लीजिए, सहो सरफेस के रेस्पेक्ट में क्यू बराबर दूरी पर है ना, इधर से इधर से इधर से, सब तरफ से पांच है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स 6 हिस्सों में बटेगा, इधर 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 सब तरफ जाएगी ना लाइन, 1/6 माने पूरे फ्लक्स का 1 हिस्सा, तो पूरे क्यूब का फ्लक्स Q/ε0 एक सीट का हो गया 6/6। तो चलो इसको नोट करो, फिगर बना के लिखो, ये लाइन लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब बराबर Q/ε, देयरफोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर शीट बराबर Q/6ε। समझ में आना चाहिए, बाकी सवाल कूड़ा है, सिर्फ डस्टबिन में फेंको और इसका मटेरियल इकट्ठा करो। क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है इसके पीछे गणित, क्या है इसके पीछे कंसेप्ट, बस वही इकट्ठा करिए और रोज इकट्ठा करो कंसेप्ट। और बाकी सवाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे रिपीट होने नहीं, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज देगा। तो हमने क्यूब बनाया, बिना क्यूब बनाए काम ही नहीं चलेगा। घासला कहता है क्लोज चाहिए सरफेस, तो क्लोज कैसे हुआ, हमें एक सरफेस दिया था, हमने 5 सरफेस अपने जोड़े, ठीक है ना, तभी हो पाए। थोड़ा सा अगर दिमाग एक्टिव कर लो तो कठिन कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऐसे मजा लेने के लिए, ये सुन लो, ये कमरा है, ठीक है ना, एक तुम्हारे तथ्य चल लो, कमरे की छत के सेंटर पे, सुनना जरा, छत के नीचे से छत में क्यों चिपका दिए, बताइए, चारों दीवार और फर्श का फ्लक्स बताइए, मतलब छत को छोड़ के आरो दीवार और फ्लक्स माने पांच का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा थोड़ा दिमाग लगाना और तुम लॉटरी की तरह बोल दिए। सवाल सुनो, ये क्यूब नहीं है, ये कैसा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, इस कमरे का मैंने उदाहरण दिया, कहा क्यूब है ये, लंबाई कुछ और चौड़ाई कुछ और ऊंचाई कुछ और, नाट क्यूब, तो कहे 5/6 कर रहे हो,
और छत के नीचे से चिपकाए है क्यों, छत के नीचे क्यों चिपका है, सोचो थोड़ा सा। मैंने तो कुल दिमाग लगाने की बात की है, कोई कोई सोचिए। क्यों सेंटर पर रख दो, बगल में रख दो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, छत पर चिपका दिए, छत के नीचे से छत में क्यों चिपका दिए। और मुझे एक का नहीं बताना, छत के अलावा पांचों का बताना है, माने फर्श का, चारों दीवारों का, सोचो। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, फिजिक्स बिना दिमाग के नहीं होती। क्यों भाई नीचे हट, किसने कहा क्यों बटे आठ, क्यों बटे आठ, एप्सिलॉन आठ, आठ कहां से आ गया, छह तो होते। उतना आप सोच ही नहीं रहे हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही उपाय है, आप इसे बंद करिए। अब ये छत पे चिपकाए हो तो सिमेट्री तो किसी की है ही नहीं, सिमेट्री किसी की नहीं है। आप ऐसा करिए, छत हटा दीजिए, दिमाग से सोचो, छत हटा दो, ओपन हो गया कमरा, और सेम कमरा ऊपर से उल्टा रख दो, बिल्कुल यही कमरा जो नीचे से है सेम कमरा ऊपर से रख दो। बताओ चार सेंटर पे आया, आज तो किए है हेमिस्फीयर वाला सवाल, अभी थोड़ी देर पहले नहीं किए क्यू बटे टू एप्सिलॉन नॉट, लो हो गए ना। पूरे का पूछ रहा है, एक का थोड़ा ना पूछ रहा है। ये देखिए, अगर ये हेमिस्फीयर था और यहां के बजाय यहां रख दू चार्ज और आधा ऊपर से बंद कर दूं, तो अगर आधे का पूछ रहा है तो आधा तो है ही है, बस फर्क क्या पड़ेगा, यहां ज्यादा फ्लक्स है इधर कम फ्लक्स है, लेकिन एक स्पीयर का आधा तो होगा भाई। इसके और इसके हिसाब से तो यहां सेंटर जरूरी नहीं है, इसके सेंटर पे जरूरी यहां नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर यहां के बजाय इसी लाइन पर मैं यहां रख दूं, चाहे यहां रख दूं, तो दोनों स्पीयर के लिए तो सिर्फ सिमेट्री हुई ना। अगर मैं यहां रख देता क्यों, तो गलत हो जाए, तो मैंने क्यों कहा छत से चिपका दो, आप वहां रखो, यहां रखो, बगल में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ना। ऊपर से उल्टा करिए तो कमरा ठीक सेंटर पे आ गया, आधा इधर आधा उधर, क्यों बटे। देखो एक चीज सुन लीजिए, आप कहो कि हम नहीं सोच पाए, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, ऐसे तमाम सवाल मिलेंगे जहां आप नहीं सोच पाओगे, फिर आप करोगे, ट्राई करोगे, सीखोगे, धीरे धीरे ये क्षमता बढ़ेगी। ऐसा थोड़ा ना कि हमने घास ला पढ़ लिया तो हम बस की एक्सरसाइज उठाएं और हर सवाल हूं करता हो, नहीं होगा, बहुत सवाल होंगे जहां अटकेगी गाड़ी, तो जब हम उसे लगाएंगे तो कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट में फिर नहीं अटकेंगे या कम रुकेंगे, तो पढ़ने से आता है। ये क्वेश्चन है एट रैंडम, बहुत सवाल भी होंगे जहां तुम्हें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित है, तो वो सीखना ही तो है। आप और नए नए सवाल उठाएंगे और सीखेंगे, सीखिए, कोई लिमिट नहीं है सीखने की। और आप ये ना सोचिए कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, कोई ना कोई सवाल फिर आ जाएगा जो हमको आंख दिखाएगा, कोई बात नहीं, तो इसकी कोई खत्म नहीं है कि पढ़ना बंद कर दो, लगाते रहो, सीखते रहो। आइए इसमें हम एक कैटेगरी और उठा लें, ठीक है ना, नेक्स्ट वैरायटी सवाल की, वो इनसे अलग है थोड़ा सा। ए हेमी स्फेरिकल सरफेस,
आप रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इट्स सर्कुलर प्लेन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमी स्फेरिकल सरफेस। ये है ऑप्शन है 2πRE, दूसरा ऑप्शन है πR²E, तीसरा ऑप्शन है 2πR²E, चौथा ऑप्शन है 4π3πR²R³। ये ऑप्शन सबसे पहले देखिए, इधर कोई क्वेश्चन नया मिले, पहली बार हम उसको पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली पढ़ा करो, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन की उसका मीनिंग निकालो, अपने दिमाग के हवाले करो। अगर दिमाग के पास रॉ मटेरियल है माने पढ़ाई है तो सोचेगा जरूर, बस आप दिमाग से खेलो। अब इन्होंने कहा एक स्फेरिकल एक हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर में एक प्लेन सरफेस भी है, स्फीयर है और प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस का जो एक्सिस है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़िएगा। एक भी शब्द फालतू नहीं लिखा होता सवाल में, कोई ना कोई मतलब जरूर उसका होता है, सही ना? तो बेमतलब तो कोई कुछ लिखेगा ही नहीं, और अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका कुछ मतलब। साफ लिखा है हेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इट्स सर्कुलर प्लेन। आप बताओ हेमी स्फीयर में प्लेन, वो भी सर्कल तो नीचे हुआ ना सरफेस, उसका एक्सिस। आप बताइए प्लेन का एक्सिस सर मैंने डिस्क का एक्सिस उसके सेंटर से पास होता है, होता है ना, याद करो। तो उसके पैरेलल, तो आइए जरा फिगर बनाए तो कुछ समझ में आए, नोट किया सवाल, आओ फिगर देखे क्या। देखो ये है, ये हेमिस्फीयर और ये प्लेन। अब प्लेन का सेंटर और ये है उसका एक्सिस, ये है एक्सिस किसका, इसका। अब इमेजिन करो ये है और नीचे ये सर्कल नहीं है, कटोरा बाउल, ये जो नीचे है ये प्लेन सरफेस सर्कल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लो ही है सब, और इसकी रेडियस आर है ये। इमेजिन करिए, दिमाग में चित्र बनाइए, ये बढ़िया ऐसे उल्टा कटोरा ये लाए। अब सुनना, अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स मांगता जीरो,
कि अगर नीचे भी प्लेन है और बंद है तो जितनी लाइन घुसेंगे उतनी निकलेंगे, लेकिन हमसे केवल ऊपर वाले लास्ट की लाइन करा केवल हेमी स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स बताओ। तो जरा देखो ये हेमी स्पियर और नीचे प्लेन, उसमें लाइन घुस रही है और इसमें से निकल रही है, तो जो लाइन एंटर करती है निगेटिव का फ्लक्स और जिसमें निकलती है पॉजिटिव का फ्लक्स। इसका मतलब जो हेमी स्पियर है उसमें तो लाइनें निकल रही है यानी पॉजिटिव का फ्लक्स, और इसकी लाइनें हमें ढूंढनी नहीं है क्योंकि उसका पूछे नहीं। अगर इस पूरे का पूछता तो जीरो था, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करी उतनी निकली, तो जितना निगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स। लेकिन उन्होंने प्लेन सरफेस का तो पूछे नहीं, उन्होंने पूछा है हेमी स्पियर सरफेस का बताओ, तो वहां से लाइन सिर्फ निकल रही। लेकिन विवाद यहां यह है जिसमें घासला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? घासला तो तब जब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से घासला थोड़ा लगता है, जब कोई स्पीयर हो उसके अंदर क्यू रखा हो तो घासला, यहाँ क्यू तो है ही नहीं, यहाँ तो इस शीट को या सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इसमें तो ई डॉट डीएस लगेगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो फार्मूला ई डॉट डीएस होगा, और अगर चार्ज अंदर बंद है तो घासला है, तो ये दूर दूर तक घासला का सवाल नहीं, ये ई डॉट डीएस का सवाल। और जब ई डॉट डीएस लगाएंगे तो थीटा का कष्ट है, और थीटा देखो यहां जीरो है बाकी कहीं जीरो नहीं है। ये देखिए ये ई और ये डीएस, और ये ई और ये डीएस, ये डीएस और ये ई। बताइए डीएस माने परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक स्फीयर के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक स्फीयर के परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस। तो जो डीएस वेक्टर होगा वो रेडियस के लांग ये और ये देखो डीएस ये और ये डीएस ये और ये, जरा इमेजिन करिए, ये देखिए सो मेनी एंगल्स फिर कष्ट। लेकिन यहां एक तरीका है, इसको जरा चपटा करो, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी ऊपर से लाइट डालो छाया बनाओ। बताइए इस स्फीयर की छाया एक सर्कुलर प्लेट बनेगी, तो आप इसको चपटा करके एक नया फिगर इमेजिन कर लीजिए, और फिर देखिए क्या लाइनें सब परपेंडिकुलर है उसके। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लो। इस तरह का कोई डिजाइन मिले चपटा कर, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, यानी छाया डालो, और छाया डालो तो जो शक्ल बनेगी उसको एरिया लेके और ई गुड़े लाइट कर। तो जब इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे तो ये प्लेट बनेगी, बनेगी ना, और ये प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर और गुड़े ई, लो आंसर पाई आर स्क्वायर गुड़े ई। और नहीं तो अगर ऊपर वाला सरफेस लेते तो सरफेस एरिया होता है 2πr², क्योंकि पूरा एरिया होता है 4πr², आधे का हुआ 2πr, एक ऑप्शन है ना 2πr² वाला, वही सबसे अच्छा है, क्योंकि हेमिस्फीयर का एरिया 2πr² होता है और प्लेट का एरिया πr². अगर हम पूरे स्फीयर का एरिया लें तो 4πr² होता है, और आधे का लेंगे तो 2πr² हुआ, लेकिन इस प्लेट का लेंगे तो पाई। तो जब इस तरह का नाटक हो तो उसे फ्लैट करो, प्रोजेक्शन डालो, छाया डालो और फिर छाया उठा लो। तो हम यहां लिखेंगे, एक तो फार्मूला बना देते हैं, ये लिख लो फाई बराबर ई गुणा प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू ई। ये छाया भी तो कहीं से डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं। छाया इस तरह से प्रोजेक्शन करना कि जो एरिया आए ई परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर ई पैरेलल हो गया तो फिर तो गलत हो गया। तो ऊपर से छाया डालो तो ई परपेंडिकुलर आएगा, लो आंसर। बताओ कितना हो गया ये, ई गुणा पाई आर स्क्वायर
क्योंकि जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा या प्रोजेक्टेड सरफेस होगा दैट विल बी ए डिस्क, दैट विल बी ए प्लेट, सर्कुलर प्लेट, यानी स्फीयर का, हेमी स्फीयर का प्रोजेक्टेड सरफेस एक सर्कुलर प्लेट बनेगी। दिमाग में फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा सीधा सा ऐसे है, कटोरा लो और ऊपर से लाइट डालो तो देखो जरा सर्कल बनेगा जमीन पे, बनेगा ना? समझ में आ रहा है? फिगर दिमाग में बनाया करिए, आने लगेगा धीरे धीरे, कुछ दिन थोड़ा हल्का फुल्का बनेगा, धीरे धीरे बढ़िया बने। और अगर सरेंडर कर दिया, अरे यार छोड़ो, तो फिर तो कुछ होने नहीं। फिजिक्स इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हो, इसमें सीखना पड़ेगा तब आसान हो जाएगी। और अगर हार गए डर गए फिर तो कोई मतलब है, और यही सब्जेक्ट है जो तुम्हें रोकेगा, बाकी कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल तय है। और इसीलिए इसको सब बच्चे लास्ट में करते हैं, कोई नहीं फिजिक्स पहले करता। अरे एक आध बच्चे अपवाद होंगे जिनको फिजिक्स अच्छी लगती होगी, और नहीं तो मैक्सिमम बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और आखिरी में फिजिक्स। अब कुछ बच्चे तो पेपर में छोड़ के चले आते, देख आते हाँ फिजिक्स आई थी लेकिन हमने किया नहीं। आप अभी टेस्ट जो संडे को होते हैं उनमें आंसर शीट देखिए, वो मार्कशीट, तो बायोलॉजी पूरा रंगा, केमिस्ट्री कुछ कम रंगा, फिजिक्स पूरा खाली। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिले जो खाली बिल्कुल छोड़ाते, कुछ होंगे जो करते हैं, ज्यादातर यही होगा डिजाइन गायब, कहो एक को डांट न लगे हूं, ऐसे भी बच्चे। कुछ बच्चों के नंबर तो माइनस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं टेस्टों में, वो तो जीरो भी नहीं पाते। अब इस साल का मैंने नहीं देखा, नहीं तो मैं तो देखता हूं, माइनस में आ जाते हैं भाई, कमाते कम है और गंवाते ज्यादा है भाई। नोट करो इसको, इस कैटेगरी का आखिरी सवाल, फिर अपलिकेशन पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हटा दी, लिखो जरा अगला क्वेश्चन। ए लॉन्ग स्ट्रिंग विद ए चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ पासेज थ्रू इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड आप एज लिख दो, ए द मैक्सिमम, यहां थोड़ा सा चेंज करो, स्ट्रिंग की जगह रॉड कह लो, द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब विल बी, पहला ऑप्शन है लैम्डा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है
सिक्स लेमडा ए स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन है रूट टू ए बटे एप्सिलॉन नॉट, चौथा ऑप्शन है रूट थ्री सवाल को पहले पढ़ली पढ़िए, खुद पढ़िए फिर सोचिए क्या है क्या नाटक है। तो जब तक हम प्रैक्टिकली उसको सोचेंगे नहीं, फिजिकली उसमें इमेजिनेशन नहीं करेंगे, तब तक हम सवाल नहीं पकड़ पाए। तो सोचा करिए, मैंने वहां स्ट्रिंग लिखा था, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी होती है, तो रस्सी थी इसलिए मैंने वहां रॉन्ग दिया, टेढ़ी तो कितना भी लपेट के भर दो तो सही भाषा नहीं थी, इसलिए मैंने उसमें करेक्शन किया। अब बेहतर समझ में आएगा। अब जरा इमेजिन करिए, सुन लो पहले पहले को, एक क्यूब है और एक राड को उसके अंदर रखना है, ए लॉन्ग राड विद ए चार्ज ऑफ लेमडा पर यूनिट, माने यूनिट लंबाई पर चार्ज उस राड में लेमडा, पूरा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ी राड है और यूनिट लंबाई पर चार्ज भरा है लेमडा। आगे कह रहा है यूनिट लेंथ पासेस थ्रू ए क्यूब, यानी एक कल्पना करो क्यूब की और उसमें छेद करके राड को पास कराना है। पासिस का क्या मतलब हुआ, छेद करोगे दोनों दीवारों पे तभी तो राड पास होगी। तो हमसे कह रहे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, किसका, क्यूब का। गासला कहता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स तो सीधे सीधे क्यू पे निर्भर करता है, एप्सिलॉन नॉट तो स्ट्रेंथ है। तो इसका लो जितना ज्यादा चार्ज अंदर भर दोगे उतना ज्यादा फ्लक्स। अब बताइए एक सीधी राड बड़ी से बड़ी अंदर रख दो तो बड़ा ज्यादा से ज्यादा चार्ज, जितनी बड़ी राड अंदर आ जाएगी उतने ज्यादा चार्ज अंदर भर जाएगा। अब बताइए बड़ी से बड़ी राड होगी, ऊपर कोने में छेद करो नीचे कोने में छेद करो, उससे बड़ी राड नहीं आ सकती उसमें, है ना, यानी डायगनल। और डायगनल की लंबाई कितनी होती है, रूट थ्री ए क्यूब में, लो आंसर, रूट थ्री होता है क्यूब में, रूट टू स्क्वायर में होता है, तो ऊपर कोने से नीचे कोने तक रूट थ्री ए, और यूनिट लंबाई पर है लेमडा, तो रूट थ्री गुणे ए गुणे लेमडा, अब एप्सिलॉन नॉट, लो आंसर। थोड़ा सा दिमाग छिड़का ना, बस इतना तो चाहिए, लगाना भी नहीं, ऐसे छिड़क दिया और क्या, स्प्रे, दिमाग का स्प्रे कर दो। सवाल उतारो जल्दी से, हटा दें, लिखो सॉल्यूशन। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी एनक्लोज्ड इनसाइड या विदिन, कुछ हो कह लो, द क्यूब ऑफ साइड ए बराबर, कितना लिखोगे, रूट थ्री ए। मैंने कहा बड़ी से बड़ी लंबाई, बड़ी से बड़ी लंबाई, ये देखिए ये क्यूब बना लो समझने के लिए, लो ये लो ये लो। और जो लंबाई हम, जिस लंबाई की हम बात कर रहे हैं वो लंबाई ये है, कोने से ए ये कोना, ये है ए, ये है ए, ये है ए, ये है रूट थ्री ए, यानी एक सीधी राड को के अंदर भरना, अगर दीवार दीवार में छेद करें तो ए, ऐसे नीचे डायगोनल छेद पे रूट टू ए, ऊपर से नीचे तिरछा तो रूट थ्री ए। सबसे बड़ी राड कौन सी अंदर ऑक्यूपाइड होगी, रूट थ्री ए,
और क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछ रहे हो फ्लक्स, तो मैक्सिमम चार्ज भरो। और मैक्सिमम चार्ज कैसे भरोगे, जब बड़ी से बड़ी रॉड अंदर आ जाए, मोड़ के नहीं भरना, इसीलिए मैंने धागा काट के रॉड लिख दिया था, नहीं धागा तब लपेट के भर दे, है ना, वो नहीं चलेगा। ये लो, तो बताइए ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स, देयरफॉर मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग या लिंक्ड लिख देते हैं, लिंक्ड विद द क्यू इक्वल टू, बताइए रूट थ्री ए गुणे लेमडा, ये चार्ज हुआ क्योंकि यूनिट लंबाई पर लेमडा चार्ज हो, तो बताओ इतनी लंबाई पे कितना चार्ज हुआ गुणे दे, है ना, अब बटे में एप्सिलॉन। लो आंसर। तो उसको कहां सॉल्व करोगे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भरोगे, वो संभव नहीं है। फिर वो सवाल का तो लंबाई कहां से लाओगे, अब तुम कोच कोच के भरो कैसे भरोगे, देखो जो संभव हो वही सवाल पूछा जाए, है ना। वो मुझे वो स्ट्रिंग वर्ड ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैंने हटाया। और सुन लो एक सवाल इसी पे, हम मान लीजिए दीवार से दीवार में हमने छेद किया, फिर हमसे कहता इधर से हमने वो राड एंटर कराना शुरू किया, ठीक, और राड इसमें पास करा रहे, तो फ्लक्स के वेरिएशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ। सुनना शब्द, ग्राफ बनाओ फ्लक्स कितना बदलेगा समय के साथ। तो जरा इमेजिन, केवल सोच लीजिए ये क्यूब है और यहां छेद कर दिए, कहीं छेद कर दो समझने के लिए, अब यहां से रॉड एंटर कर रही है ये, तो अभी रॉड अंदर नहीं गई तो फ्लक्स जीरो है, अब थोड़ा सा रॉड अंदर गई तो थोड़ा चार्ज अंदर आया, थोड़ा फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, जीरो नहीं हुआ कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इतनी रॉड अंदर आ गई, अब वो रॉड घटेगी नहीं, अब क्योंकि लिखा है लॉन्ग रॉड, इसका रॉड कम नहीं होना, फैलते जाओ, यानी इसमें यहां से एंटर करेगी रॉड, और जब अब देखिए यहां अगर इमेजिन करे तो यहां शुरू में जीरो है, फिर थोड़ा रॉड आई, इतना चार्ज आ गया, फिर और आई और चार्ज आ गया और आई, और जब इस दीवार में पहुंच गई अब ठेलो, तो इतनी रॉड तो है ही, क्यों इधर से चुकना नहीं है, अगर छोटी रॉड होती तो थोड़ी देर बाद इधर चुक जाती, फिर फ्लक्स घट जाता, तो देखिए इधर अगर लॉन्ग रॉड है तो ये फ्लक्स बनेगा, फिर खत्म नहीं होगा क्योंकि रॉड इधर से खत्म ही नहीं हो, लेकिन अगर निश्चित रॉड होती तो ग्राफ इस तरह बनता, तो कुछ देर बाद फिर वो खत्म होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि रॉड इधर से कम, ये देखिए कम कम गायब थोड़ा सा, ये भी कहीं ना कहीं गाइड में सवाल मौजूद है, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे, यहां जो सिखाया जाए उसके अलावा भी दो चार दस सवाल घर में जाकर ढूंढा करो, खुद ढूंढो और लगाओ, ठीक है ना। हटा दें, उतारो जल्दी से। अब एक आखिरी में क्यूब का क्वेश्चन देख लो, क्यूब के कोने पे, क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के एज के सेंटर पे, दो चार तो अच्छे सवाल वहां भी बनते हैं, बस उसके बाद एप्लीकेशन हटा दी से। चलो सवाल, अगला सवाल ये है, ये एक क्यूब है, और यहां कोने पे एक चार्ज रखा है ऊपर, ठीक है ना। ये लो, हमारा क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड लिंक्ड विद द क्यूब
इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर, ये ली हमें इस क्यूब का फ्लक्स बताना। अब सुन लो थोड़ा सा, इस चार्ज को पहले बंद करो, तो अब अगर ये क्यूब है, यहां चार्ज है, तो तीन क्यूब बगल में रखो। अभी ऊपर से आधा चार्ज झांक रहा है, तो चारों के ऊपर चार और रख दो, आठ क्यूब हुए। अब चार्ज आठों के सेंटर में, और आठों में सिमेट्री है, यानी एक का हुआ एक बटे आठ, ठीक है ना। तो लिख लो जरा सॉल्यूशन में, चार्ज क्यू कैन बी एनक्लोज्ड बाय टोटल एट क्यूब्स। ये लाइन जरूर लिखो, आठ क्यूब टोटल आठ, यानी इसके अलावा सात क्यूब और रखने पड़ेंगे। और इमेजिन करिए ये क्यूब है, बगल में बगल में बगल में तीन और रखो। अभी आधा चार्ज ऊपर से दिख रहा है, चारों के ऊपर चार और रखो, तो बंद हो गए। आठ क्यूब के सेंटर पे आ गया, हमें आठों का फ्लक्स पता है, क्यूब बटे एप्सिलॉन जीरो, एक का चाहिए, छह ना। तो ये लीजिए, देयरफोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब बराबर क्यूब बटे क्यूब बटे आठ एप्सिलॉन नॉट, आठ एप्सिलॉन। सोच लीजिए, आसान है, थोड़ा सोचो, दिमाग तक पूछ किया करो। देखो इधर क्यूब के नाम पे मेरे पास ये है, डस्टर भी है शायद, देखिए इधर सुनिए, ये है, यहां कोने पे चार्ज रखा है, तो मैं इसी के बगल में एक और रखूंगा, फिर यहां रखूंगा, फिर यहां रखूंगा, तो तीन ये हो गए, और ऊपर से आधा दिख रहा है, तो चार और रखो, तो चार आठ हो गए, आठ के सेंटर पे, तो आठों का कुल हो गया क्यूब बटे एप्सिलॉन जीरो फासला, और मुझे उसमें से एक का चाहिए, तो एक बटे आठ और लगा दो, क्लियर हो गया ना बात। ये है नाटक। आइए अगला सवाल इसी का, अब सवाल हम बदले दे रहे हैं, अब क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, लो अच्छा इसमें एक लाइन और लिख दो, फिर अगला सवाल लिखो, यहां तक लिख लिया। अब अगर एक क्यूब का हमने बता दिया, अब उस क्यूब के हर सरफेस का चाहिए, छहों का, छहों का कि तीन का, अब बाकी तीन का नहीं निकलेगा। अच्छा नहीं निकलेगा, इसी में लिख लो, आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच ऑफ द थ्री फेसेस ऑफ क्यूब एडजेसेंट टू क्यू बराबर जीरो। लिखो मैं समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द रिमेनिंग
थ्री लगा दो यहां, थ्री फेसेस, रिमेनिंग थ्री फेसेस ऑफ क्यूब बराबर क्यू बटे 24 एप्साइलन नॉट। लिखो, मैं अभी समझा रहा हूं, लिख लो पहले दोनों लाइन। तीन सरफेस का जीरो होगा और बाकी के तीन में से हर एक का ये हो। कोशिश करिए समझने की, न समझ में आए तो याद कर लीजिए, क्या करोगे जब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन मौजूद है बुक्स में, आपको किताब खोलोगे तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच ऑफ द थ्री फेसेस ऑफ क्यूब एडजेसेंट टू क्यू, एडजेसेंट कर लो जो क्यू को टच कर रही है, यानी तीन सरफेस जिनको क्यू टच कर रहा है वो हुए। और फिर लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रिमेनिंग थ्री, अब तीन जो टच करे उसके अलावा तीन और है, तो बाकी के जो तीन है उसमें हर एक का फ्लक्स इतना है। अब आइए इसको थोड़ा इमेजिन करें, तो सोचना, देखिए सच कहें जो उत्तर हम दिमाग में बना सकते हैं वो फिगर कभी कॉपी कागज पे नहीं बनता, क्योंकि ये देखिए कोने पे चार्ज रखा है तो हम पा गए बटे आठ, इससे पहले भी लिखे थे ना, इस पूरे क्यूब का बटे आठ। अब जो चार्ज, इस चार्ज को जो सरफेस टच कर रहा है, ये ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन सरफेस है जो इसको छू रहे हैं, इनका फ्लक्स जीरो है, क्योंकि लाइन या तो सरफेस को टच करती जाएगी या तो हवा में जाएगी, अगर यहां से अंदर जाएगी तो इससे निकलेगी, इससे निकलेगी या इससे निकलेगी, इसको नहीं पास कर, तो तीन सरफेस का जीरो हो गया। अब बाकी तीन का, इसका पीछे वाले का और सामने वाले का पर बराबर बांट दो, तो बटे आठ पहले लग चुका था, बटे तीन और लग गया, 20 हो गया। घर में बैठ के सोचना, इमेजिन करना, बड़ी ताकत है दिमाग में, अपनी ताकत को, दिमाग की ताकत को पहचान। फिजिकल ताकत की तो लिमिट है, दिमागी ताकत की कोई लिमिट नहीं, वही एक पावर है जो जिसकी कोई लिमिट, चाहे जहां तक सोच लो, ये आपके ऊपर है कि आप कहां तक सोच पाते, और आप उसी को मजबूत करो, उसी का इस्तेमाल करो, पहलवानी मत करो कि दिन रात ये बवाल मचा दे, कुछ नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगे, बिल्कुल तय है, दिमाग की सीमा नहीं। आप जितना साइंस टेक्नोलॉजी देख रहे हो सब इसका रिजल्ट, जो मोबाइल मोबाइल नए नए नाटक देख रहे हो, अचंबा हो ही रहा है, ये क्या हो रहा है, वो सब दिमाग का खेल है, किसने किसी ने तो खोजा कि नहीं खोजा, वही चीज है। तो आप भी ढूंढो कि यार लगता है तुम उनसे भी बढ़िया दिमागदार हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, हनुमान जी हो, बताना पड़ता है पिता का, है ना, सही कह रहे। दिमाग का मैं तुम्हें इस्तेमाल बता दूं, एक उदाहरण, एक औरत अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थी, सुन लोहू न तो झगड़ा, इतना लेवल तक झगड़ा था कि दोनों एक दूसरे को टपकाने की सोच रहे थे। सुनो, आप टपकाते तो 302 में फंस जाते, तो उस औरत ने अपनी सहेली से मदद मांगी कि यार कोई तरीका बताओ कि इसको टपका दे और फंसे भी ना, जेल भी ना जाए। तो उसने कहा तुम भूत की तपस्या करो, सुन लो दिमाग का वो बता रहा हूं। तो उसकी सहेली ने सलाह दी कि भूत की तपस्या करो, भूत प्रसन्न हो जाएगा तो उसे कह के टपकवा देगा। तो उसने यही किया, भूत प्रसन्न हो गया, लेकिन भूत तो भूत था, उसके मन की बात जान गया कि ये चाहती क्या है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात हमें मंजूर है, लेकिन जितना हम तुमको देंगे, ठीक है ना, उसका आधा हम, मतलब उसका दुगना तुम्हारे हस्बैंड को देंगे, मतलब जितना तुम्हें देंगे उसका डबल उसको देंगे, ठीक है ना, या जितना उसको देंगे उसका आधा तुमको देंगे। तो उसने कहा ठीक है, दिमाग उसने लगा दिया। तो उसने कहा हमको एक घर दे दो, उसने कहा ले लो। तो दो घर उसके हस्बैंड को मिल गए, क्योंकि उसको ने कहा था डबल देंगे। उसने कहा था 1 करोड़ हमको दे,
उसे 2 करोड़ में, उसने कहा मकसद तो पूरे नहीं हो रहा है, बोला हमको अधमरा करके छोड़ दो, अधमरा करके छोड़ दो, उसको दुगना दे दो, तो अधमरा इसको पूरा मरा उसको। ये है दिमाग, ये दिमाग का मतलब है। तो दिमाग का खेल ऐसे खेलो, ठीक है ना, समझा दी बात। अब इसको चलिए कंटिन्यू करेंगे आगे, टाइम हो गया।